मुझे दो बार कोविड हो चुका है, एक बार मैं मरते मरते बचा। दोस्तों आज हमारे साथ है मीर अली जी, यानी कि इंद्रदेव विघ्नहर्ता गणेश सीरियल के। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं, यहाँ तक कि फैशन शो हो या मॉडलिंग हो, बहुत कुछ किया उन्होंने। बट आज हमारे साथ है जो हमारे पांच सवाल के जवाब देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और उन्हीं की जुबानी सुनिए उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। सर तो मैं आज आपको अपने जो यूट्यूब चैनल है, अपने सारे जो दोस्त लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके वीडियोज देख रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा आपसे बातचीत करवाना चाह रहा हूँ। तो इस दरमियान मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि जो माइथोलॉजिकल शो है वो इतना डिफिकल्ट होता है, डायलॉग्स और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो आप इतना सारे पहने हुए हैं, वो सारे चुभते भी होंगे, तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले सारी ऑडियंस को नमस्कार और सभी को ग्रीटिंग्स। दोस्तों एक्चुअली माइथोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपकी वोकेबुलरी पर्टिकुलरली हिंदी में स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, जिसको हम कहेंगे शब्दावली। तो इसे आप कोइंसिडेंसी कहिए या फिर मेरा नसीब कहिए कि बचपन में एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट हुआ करता था और वो थी हिंदी। पता नहीं, वो मुझे नेचुरली बड़ी आसान लगती थी, जिसकी वजह से जो वर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माइंड सेव हो जाते थे, जो कि फ्यूचर में कहीं आकर मुझे काफ़ी मददगार साबित हुआ और मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी आसान रही। तो माइथोलॉजी करना इज़ अ मेमोरी गेम। आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी अगर मेमोरी स्ट्रांग है और आपकी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा। और जहाँ तक ज्वेलरी का सवाल है, हाँ ये ज्वेलरी मेंटेन करना बहुत टफ होता है, जैसे ये कुल मिला के आराम से 10 kg तक होगा, बट इनिशियली शुरुआती 15 दिन 20 दिन या एक महीना कह लीजिए, तब तक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। उसके बाद जैसे मान लो ये मेरे बॉडी का हिस्सा ही बन गया, मुझे आदत ही पड़ गई इसको कैरी करने की, तो वो नेचुरली वो फ्लेयर बिल्डअप हो ही जाता है। तो हम आपसे अगला सवाल पूछने चाहेंगे सर, आप शूट पे हमेशा बिजी रहते हैं, तो कभी 5 बजे निकलना पड़ता है, फिर रात को 12-1 बजे पहुँचते हैं, तो इसे में आप अपने फिटनेस पे कैसे ध्यान दे पाते हैं? हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली फिटनेस इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़रूरी है। एक अलग कैटेगरी ऑफ एक्टर्स हैं जिनको लगता है कि शायद फिटनेस उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तबके के एक्टर मैं कहूँगा जिनके लिए फिटनेस काफ़ी मायने रखती है, बिकॉज वो अपने आप को एक पर्टिकुलर रोल में देखना चाहते हैं जो कि उनका ड्रीम रोल होता है। तो अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं जिसको आपको लेके चलना पड़ता है। तो और इसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर सांचे में, एक फर्मे में रहना पड़ेगा अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो यूजुअली ये होता है कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वॉक ही कर लूँ। जैसे कि सेट से भी मुझे कभी कुछ खाली वक्त मिल गया तो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर हमारे आसपास के इलाके में थोड़ी सी वॉक कर लूँ, या नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी डाइट में इतना ज़्यादा खाना ना कंज्यूम करूँ, लिमिटेड खाऊँ और अनहेल्दी ना खाऊँ, जिससे मेरी फिटनेस मेंटेन रहती है। ये मेरे फिटनेस का राज है। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल हम करना चाहेंगे आपसे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में, क्या पहले से कोई इंडस्ट्री में थे या आप बचपन से इंटरेस्टेड थे इस एक्टिंग लाइन में, तो कैसे आपका आना हुआ? एक्चुअली मैं अगर सच कहूँ तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूँगा। मेरा ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूँ, मैं काफ़ी अच्छा पेस बॉलर था, बट शायद किस्मत को यही मंजूर था। किसी दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि ये क्रिकेट मुझे आगे नहीं लेके जाएगा, और उसी दौरान मैं शायद अपने ग्रेजुएशन में बस एंटर ही कर रहा था, और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ पर मैंने अपने कॉलेज का मिस्टर कॉलेज टाइटल जीता। उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें एक के बाद एक जुड़ती गई। उसके बाद मैं मिस्टर इंडिया में गया, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद मैं फैशन इंडस्ट्री में एंटर किया, उसके बाद तो फिर जैसे शोज़ की लाइन लग गई और मैं एक के बाद एक शोज करता रहा। और हाँ, जैसे कि आपने मुझे पूछा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मुझे नहीं लगता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड होना इतना ज़रूरी होता है। आई थिंक कुछ बड़े स्टार्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इन पर्टिकुलर फीमेल स्टार हैं जिन्हें लगता है कि नेपोटिज्म जो चीज़ है ये काफ़ी प्रभावशाली है और इससे काफ़ी लोगों की चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं मोटी सी मिसाल दूं आपको, तो मान लीजिए अगर मेरे बाप का, मेरे पिताश्री का अगर कोई बिजनेस है
तो वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी और को वो बिजनेस हैंड ओवर करें, ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो ये आई थिंक ये सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में ये चलता है। जस्ट दैट हम जब एक सर्टन अमाउंट ऑफ मेहनत इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा होता है, तो वो एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाती है। बट आई थिंक हर इंसान की एक जर्नी होती है और उसका एक मुकद्दर होता है, और उसका मुकद्दर उसको जहाँ उसे ले जाना है वो जरूर लेकर जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, एज अ सिविल सिटीजन और एज अ एक्टर, आपका समय कोविड के समय में जो 2 साल से सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसा बिता? ये बड़ा दुखदायी सवाल है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं एक सोशल मैसेज की तरह आप सभी को देना चाहूँगा। आज भी भले ही लोग वैक्सीनेटेड है, 60% जनता को यही लगता है कि कोविड एक सोशल स्टिग्मा है, यानी कि उनको ये लगता है कि ये वहम है। तो दोस्तों, मैं आपको आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, जीती जागती मिसाल हूँ। मुझे 2 बार कोविड हो चुका है, 1 बार मैं मरते मरते बचा हूँ। मुझे इस हद तक कोविड हो चुका था कि उसके रिपरकशंस आज भी मेरे अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे अंदर काफ़ी वेट गेन इशूज और अपना मेमोरी फॉगिंग, ऐसी चीज़ें मुझे काफ़ी हुई कोविड होने के बाद, और मैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ मजाक में ना लें, ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, और अगर आप इसको मजाक में ले रहे हैं तो ये आपकी जान भी ले सकती है, मैं आपको बता दूँ। और जितना हो सके आप अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, क्योंकि इस चीज़ से बचने का बस यही तरीका है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम पूछना चाहेंगे, जो बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप अपनी राय क्या रखेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, मेरी राय अगर आप रियली हकीकत में मानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि कई सारे लोगों को लगता है कि ये प्रोफेशन एक पार्ट टाइम जॉब टाइप का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस प्रोफेशन में आपको बाकी प्रोफेशन से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मानसिक स्थिति, आपके दिमाग में क्लैरिटी होना, आप मानसिक तौर पर कितने स्ट्रांग हैं, कितने टाइम तक आप इस चीज़ में सर्वाइव कर सकते हैं, क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है। अगर आप में पेशेंस है तो आप इस प्रोफेशन में आइए, लेकिन आने से पहले पूरी तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप पर एटलीस्ट कुछ बेसिक्स पर आप काम करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में मदद मिल सके। थैंक यू सर बताने के लिए। तो बाय बाय और सलाम नमस्ते सब लोग। थैंक यू। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे ही आप मेरे शोज देखते रहिए, आपने मुझे कई सारे शोज में देखा होगा, अभी तो हाल फिलहाल आप मुझे विघ्नहर्ता में देख रहे हैं, बहुत जल्द और भी शोज में देखें।